हेलो एवरीवन, आज है 22 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए, इस कंपनी के नतीजे आ चुके हैं क्वार्टर वन के और नतीजे एवरेज हैं, एक अच्छे भी इसको हम कह सकते हैं। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे उन नतीजों के बारे में और शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर 203 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 9.5% की गिरावट देखने को मिली है। 224 रुपए के प्राइस से टूट कर ये शेयर 180 रुपए तक गया, बाद में बढ़िया रैली आई, 217 रुपए तक पहुंचा। अब थोड़ा बहुत प्रेशर इसके ऊपर बन रहा है, 203 रुपए तक भी पहुंच चुका है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में इसमें 58% की गिरावट है, 490 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। पिछले 3 साल की बात करें तो 3 साल में इंडिया बुल्स के शेयर में 83% की गिरावट है, 1420 रुपए के लेवल से कंटिन्यूअस शेयर टूटा है। बीच में अगर तेजी आई भी है तो वो शॉर्ट टर्म की रैली थी, बाद में शेयर टूटा, फिर तेजी आई शॉर्ट टर्म की, फिर उससे कई ज्यादा बड़ी गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर उससे कई ज्यादा बड़ी गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर उससे कई ज्यादा बड़ी गिरावट आई। अब वापस शेयर तेजी की तरफ जा रहा है। यहाँ पर हम बात करें तो मिड कैप शेयर है ये, 8810 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 62 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूँ तो 23.66% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 38.66% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, और दोनों ही ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है अगर हम उसको मार्च क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड पे एक बार नजर डालें तो म्यूचुअल फंड एग्जिट होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। म्यूचुअल फंड के पास जो 0.62% की होल्डिंग थी, आज वो 0.17% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.82% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर की बात करें तो इनोस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 19.40% की होल्डिंग है, हालांकि एक भी शेयर गिरवी नहीं है। साथ म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 277 जितने एफआईएस भी यहां पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है, जिनके पास 10.72% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.40% के आसपास है। देखिए, डिविडेंड बहुत ही बढ़िया ये कंपनी पे करती है, 300% का डिविडेंड अगर हम देखें तो इस साल इन्होंने पे किया है, 6 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया था। लेकिन अगर हम इंडिया बुल्स की प्रीवियस हिस्ट्री को अगर हम खंगाले तो ये वो कंपनी थी जो एक वक्त में बहुत ही दमदार डिविडेंड पे करती थी। हालांकि उस वक्त अगर हम देखें तो शेयर 1400 से 300 रुपए के आसपास भी ट्रेड कर रहा था, और तब इसने इतना बड़ा और इतना बढ़िया डिविडेंड ये पे करता था। ये शेयर साल का कम से कम आपको 30-40 रुपए तक का डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ये हुआ करती थी। लेकिन आज जो धीरे धीरे अगर हम देखें तो हालत खस्ता हो रही है, शेयर कंटिन्यूअस टूट रहा है, और डिविडेंड भी अगर हम देखें तो वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। डिविडेंड भी अभी 6 रुपए पर आ चुका है। यहाँ पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। पी हालांकि सस्ते पी के ऊपर शेयर अवेलेबल जरूर है, वैल्यूएशन भी काफी सस्ता वैल्यूएशन है जो किसी को भी खरीदारी करने के लिए ललचा सकता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले वैल्यूएशन की बात करें तो पी 4.02 है, इंडस्ट्री पी 14.48 है, बुक वैल्यू तकरीबन 350 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.58 है, ईपीएस 50 के आसपास है, और डिलीवरीज 27-28 के आसपास देखने को मिल रही है। तो काफी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर है, बहुत ही सस्ते पीई के ऊपर शेयर अवेलेबल है। लेकिन इसको देखकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं आज ही खरीदारी कर लूं, जी नहीं। सस्ता वैल्यूएशन जरूर है लेकिन फिर भी हाईली रिस्की ये शेयर है, क्योंकि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में है ये शेयर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 91% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं और 9% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। मतलब तो मेजोरिटी पर्सन ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि खरीदारी का बढ़िया मौका है। नतीजे इसके आ चुके हैं और नतीजे अगर हम देखें तो अच्छे हैं, उतने बुरे नहीं हैं। 272 करोड़ का इस बार इन्होंने जून क्वार्टर में मुनाफा कमाया है, और जो काफी अच्छा है अगर हम पिछले क्वार्टर को कंपेयर करें, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 127 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। लेकिन अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे या फिर उससे पहले के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो जो प्रॉफिट हुआ है वो बहुत ही कम आपको लगेगा। दिसंबर 2019 में 545 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर 2019 में 700 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2019 में 790 करोड़ का प्रॉफिट था। तो काफी अच्छे प्रॉफिट्स हुए थे, हालांकि मार्च में बहुत ही कम मुनाफा हुआ था
और उसका नतीजा हम ऑलरेडी देख चुके थे शेयर में गिरावट के साथ। जून में 272 273 करोड़ का एक बड़ा सा प्रॉफिट इस कंपनी ने जरूर कमाया है, और शॉर्ट टर्म के लिए शायद थोड़ा सा ये कंपनी को ऊपर ले जाने का काम भी करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वापस से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है यहाँ पर। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं। 27.67% की जो होल्डिंग थी प्रमोटर की, आज वो 23.66% है। उसके अलावा प्रमोटर के द्वारा पहले 12.72% की होल्डिंग गिरवी थी, आज एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन जो गिरवी रखे हुए शेयर है उन सारे शेयर्स को प्रमोटर ने छुड़ा लिया। हालांकि अगर हम देखें तो प्रमोटर ने पिछले साल जून महीने से ही ये शेयर को छुड़ा लिया था, तो कोई नई बात नहीं है। पिछले 1-1.5 साल से अब प्रमोटर ने सारे के सारे गिरवी शेयर्स को छुड़ा रखा है, लेकिन फिर भी शेयर में गिरावट जारी है, फिर भी शेयर में गिरावट जारी है। एफआईएस की 55% 56% की होल्डिंग 38% तक पहुंच चुकी है, तो एफआईएस ने बहुत सारी होल्डिंग अपनी गिराई है। म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट एग्जिट होने की कगार पर है, 2.86% की होल्डिंग 0.17% पहुंच चुकी है, तो म्यूचुअल फंड यहां से एग्जिट कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वहीं है, 10.79% की होल्डिंग 10.82% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम यहां पर बातचीत करने की कोशिश करें कि अब खरीदारी का यहां पर मौका बनता है कि नहीं, तो देखो जैसे कि मुझे लगता है कि आगे भी यहां पर इसी तरीके का खेल होने वाला है। 203 रुपए के ऊपर शेयर है, अच्छे नतीजे आए हुए हैं, शायद शेयर यहाँ से 210 215 तक जा सकता है, हो सके तो 220 तक भी जा सकता है, लेकिन बाद में फिर से शेयर टूटना शुरू होगा और 200 रुपए से नीचे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया बुल्स में मैं यही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म की रैली में कभी भी फंसने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि एक वक्त की दमदार कंपनी हुआ करती थी, एक वक्त की सबसे ट्रस्टेड और वैल्यूएबल कंपनी हुआ करती थी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। 10 साल में आप देख सकते हैं कि 2013 में जब से आईपीओ था 200 रुपए का शेयर आपको काफी 2018 2017 में ही काफी अच्छे प्राइस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाता। ठीक है, तो काफी बड़ी रैली आई, जितनी बड़ी रैली आई उतनी बड़ी अब गिरावट का माहौल चल रहा है, तो उसको भी हमें यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए। तो मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि अगर शॉर्ट टर्म की रैली को देख कर अगर आप खरीदारी करने की सोचेंगे तो याद रखिए गिरावट ऐसी आएगी कि आप यहां से एग्जिट भी नहीं कर पाओगे और आपको काफी बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में मैं मानता हूं कि अच्छे नतीजे हैं, शॉर्ट टर्म में इससे थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी खरीदारी करने की मत सोचिएगा। अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप चाहे एनबीएफसी में, अगर किसी अच्छे एनबीएफसी में आप खरीदारी करना चाहते हो और सस्ता भी हो, तो अगर आप चाहे तो एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस में आप अपना पैसा लगा सकते हैं, लेकिन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में दूर रहने की ही सलाह दूंगा अभी के तौर पर, क्योंकि मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म की में रैली आएगी लेकिन बाद में वापस शेयर टूट के बिखर जाएगा और रिटेल निवेशक फिर वहां पर फंस सकते हैं। तो और अगर आपने खरीदारी की है तो मुझे लगता है कि यहाँ से 220 तक जाने का दमखम है, उस लेवल पर अगर आप चाहे तो एग्जिट ले सकते हैं, 220 रुपये तक अगर आप चाहे तो बने रह सकते हैं। तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।